फाइव। मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटी पो की छुट्टी है। एरिक। टीटी पो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन हैं। उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटी पो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटी पो। टीटी पो, मिलकर खुशी हुई। मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं। उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हब, जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? हाँ, ये तो मिस्टर हब है। ये मिस्टर हब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हब है? वही है। पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हब अच्छी तरह याद है। हब कहाँ चला गया ये? हब कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम, इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान हब हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटी पो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियां सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हैं, तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है, आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टीटी पो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ। जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करके टीटीपो मिस्टर स्टीम के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा। बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा है, कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ओ, ठीक है। हेलो, हाय सिंग सिंग, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से?
वो मेरी दोस्त है सिंह सिंह, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है। ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो, इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। वो कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूँ? नहीं बेटा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा, चढ़ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टीम, आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टीम। इसमें बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, हेलो एरिक। टिटिपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह, क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी, और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम, हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे, तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा, जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे। हाँ, ये ठीक रहेगा मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है, शायद मिस्टर स्टीम की जांच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो, मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं? सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। वाह, कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम। साफ रहने में ही समझदारी है। जीनी टीओ के पास जांच के लिए प्रोडक्शन प्लांट आई है। ये तो डीजल है। हेलो जीनी। इतनी बदबू, डीजल, तुम इतने गंदे क्यों हो? इतना गंदा तो नहीं लग रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेकअप के लिए आई हूँ। और तुम? मेरे अंदर कुछ खराबी थी, टीओ ने मुझे ठीक कर दिया। अच्छा हुआ। तो मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है, बाय डीजल। फिर मिलेंगे। हेलो टीओ। हेलो जीनी। तुम्हारे कपड़े? ये डीजल को ठीक करते हुए गंदे हो गए। सच कहूँ तो मुझे उसकी काफी चिंता रहती है। उसकी चिंता? वो बीमार है? नहीं, लेकिन वो खराब होता रहता है क्योंकि वो नहाता नहीं है। क्योंकि वो नहाता नहीं है? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। जीनी को अपने दोस्त डीजल की चिंता होने लगी। मैं आ गया। हेलो डीजल। हेलो। हाय डीजल, तुम अब तक नहीं नहाए हो? लेकिन क्यों? तुम बहुत गंदे हो रहे हो डीजल। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, माल गाड़ियाँ हमेशा गंदी रहती हैं। हेलो दोस्तों। हेलो लोको। क्या हाल है दोस्त? लोको भी मालगाड़ी है लेकिन वो साफ है। अरे छोड़ो भी, मैं थक गया हूँ, कल नहाऊंगा अब। क्या, तो ऐसे ही सोने चले जाओगे? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। इसे नहाना ही पड़ेगा। डीजल, ट्रेन वॉश में जाओ और नहा के आओ। मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हारा पीछा करती रहूँगी जब तक तुम नहाने नहीं जाओगे। डीजल, अच्छा यही रहेगा कि अब तुम नहा लो। मैं थक गया हूँ, चलो ठीक है नहा लेता हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि वो हमेशा साफ रहे ताकि वो फिर से बीमार ना हो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल अब तक सपनों की दुनिया में है। डीजल, चलो नहा लो। मेरा मन नहीं है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये अंदर गई। पकड़ लिया। पता नहीं जीनी सोते हुए डीजल को कहाँ ले जा रही है। ओहो, ट्रेन वॉश में। मैं वापस आ गया। डीजल, काम खत्म हो गया, मेरे साथ घूमने चलोगे? ठीक है, कहाँ चलना है? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम। ये घूमने की जगह नहीं है। धीरे धीरे, चुपचाप। वो अभी तक आई नहीं है। आज मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। डीजल, सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। नया दिन शुरू हुआ। ये रहे टीटीपो और डीजल। डीजल, गुड मॉर्निंग।
टीटीपो, आज तुमने जीनी को देखा क्या? वो काम पर जा चुकी है। क्यों? जीनी मेरे पीछे ही पड़ गई है। कल मुझे 3 बार नहाना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता। खैर, चाहे जो हो, जीनी को हर हाल में रोक के रहूंगा। डीजल, डीजल क्या करने की सोच रहा है? डीजल, टीटीपो, तुम नहाने आए हो? मुझे पहले जाने दो। रुक जाओ, अंदर मत जाना। ओ, क्यों? हाय दोस्तों। हेलो जीनी, पहले तुम नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने पानी में मिट्टी मिला दी है। देखो देखो कौन गंदा है। इस बार मैं उसे तंग करूंगा। क्या? उस पर मिट्टी लग गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। ओ, बेचारी जीनी। ओ, ओ, देखो आ रही वो अब। मजा आ गया। ओ, ये गंदी क्यों नहीं हुई? बाद में मिलती हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे जीनी। लेकिन मैंने मिट्टी डाली थी। बड़ी अजीब बात है ये। क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। डीजल, डीजल, क्या तुम ठीक हो? जीनी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डीजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करने के बाद डीजल वापस शहर आ रहा है। ये तो जीनी है। ओ जीनी, तुम वापस आ गई। कीचड़, अब मजा चखाता हूँ उसे। उपसी, अब तुम भी हो गए गंदी। अब चखाता हूँ मजा। शाबाश जीनी। शुक्रिया। ठीक है, मैं कल मिलती हूँ मिस्टर हब। आराम करो। अरे नहीं। ओ डीजल, डीजल, प्लेटफॉर्म पर आते हुए इतनी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। मैं हजारों बार तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बार बार ये बात। और फिर डीजल को सुबह तक मिस्टर हब से डांट खानी पड़ी। बहुत हो चुका, आज तो बदला लूंगा ही। डीजल, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। जानता हूँ, लेकिन आज जीनी बाहर गई है फूलों को देखने के लिए। हाँ तो? तो आज वो दिन है जब मैं जीनी से बदला लूंगा। चलो मैं चलता हूँ टीटीपो। डीजल, आखिर ये जीनी है कहाँ पर? वो रही। हाँ? ओ, ये बहुत भारी है। तुम काम कर रहे हो? तभी ये ठीक नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। लग तो रहा है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे ये सामान पहुंचाना है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं बची है। जीनी, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? जरूर, क्यों नहीं। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। ये सब क्या है? ओ, माफी चाहता हूँ जीनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डीजल। ये सुनकर मेरे दिल को आराम मिला। ओ, अच्छा सुनो, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। मैंने बदला ले लिया। ये क्या हुआ? मैं सच में खराब हो गया। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मेरे अंदर फिर से खराबी आ गई है। क्या? फिर से? एक
डीजल, पहले तुम्हें जोड़ लेती हूँ, फिर प्रोडक्शन प्लांट ले चलूंगी। सच में? लेकिन क्या तुम पहले नहाना नहीं चाहोगी? मैं धूल की परवाह क्यों करूं, जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। मुझे लगा कि गंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं और इसीलिए तुम मुझे हर बार नहाने के लिए भेजती रहती थी। दरअसल टियो ने बताया था साफ नहीं रहने से तुम खराब हो रहे हो, मैं मदद करना चाहती थी। क्या सच में? क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए तंग करती हो, इसीलिए मैंने तुम पर ये खाद गिरा दी और तुमसे बदला लेने की कोशिश की। क्या? माफ कर दो मुझे, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मुझे माफ कर दोगे प्लीज? अगर तुम साफ सुथरे रहोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ठीक है, अब मैं हर रोज नहाऊंगा। शुक्रिया चीनी। अब चलते हैं तुम्हें ठीक करवाने। अगले दिन की शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम कितने साफ हो गए। मैं शहर की सबसे साफ रेल बनकर दिखाऊंगा अब। अब मुझे तुम्हारे खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कहा, अब मैं तुमसे भी ज्यादा साफ हूँ। ये बदबू कैसी है? लगता है किसी ने कल की खाद को धोया नहीं है। क्या? किसी को नहाने की जरूरत है। मैं नहा चुकी हूँ दो बार। लगता तो नहीं मुझे बदबू आ रही है। ओ टीटीपो, तुम भी मेरी तरह अच्छे से नहाया करो। क्या? लेकिन मैं अभी नहा कर आया हूँ। देखो इतना काफी नहीं है, तुम्हें खुद को ज्यादा साफ रखना चाहिए। डीजल। जीनी की वजह से डीजल अब एक साफ सुथरी रेलगाड़ी है। चलो अच्छा हुआ डीजल। बू, भूत आया। रेलगाड़ियाँ रात को भी चलती हैं और आज रात को लोगों की ड्यूटी है। हाय मिस्टर हब। लोको, लगता है आज तुम्हारी रात की शिफ्ट है। जी, मेरी पहली रात की शिफ्ट है इसलिए मुझे डर लग रहा है। डरो मत, वैसे ही करो जैसे हमेशा करते हो। ठीक है। तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जब वापस आओगे मैं मिलूंगा। ठीक है। कितना अंधेरा है, बहुत ही डरावना माहौल है। डर लगने के बावजूद लोको ने काम पर जाने की हिम्मत जुटा ली। अकेले जाते हुए कितना डर लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, लेकिन अच्छा होगा कि काम जल्दी खत्म हो जाए। अरे ये क्या था? सारी लाइटें भी बुझ गई है। कितना डरावना है ये सब। मैं गिर रहा हूँ। अरे नहीं, लोको तो पटरी से उतर गया। मदद करो। अगले दिन की शुरुआत हुई। लोको! टीटीपो! क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम गिर गए थे। मैं तेज जा रहा था क्योंकि डरा हुआ था और गिर गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, और पता है मेरी कल की भी रात की शिफ्ट है। अरे नहीं, रात को काम करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हें डैनी से बात करनी चाहिए। डैनी? डैनी कौन है? वो रेल जो ट्रैक्स की जांच करती है, वो रात को काम करता है। मुझे यकीन है डैनी तुम्हारी मदद कर पाएगा। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ठीक है। मेरे पीछे आओ। ठीक है। ये है डैनी, ये अभी अभी नहा कर बाहर निकला है। मजा आ गया। डैनी! हेलो टिटीपो। हेलो। हेलो। ओ, क्या ये कोई नई ट्रेन है? हाँ, ये है लोको। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कोई काम है? वो लोको रात को काम करते हुए डरता है। शायद तुम इसकी मदद कर पाओ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, प्लीज कुछ मदद करो ना डैनी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया डैनी। तो फिर चलने के लिए तैयार हो तुम? रुको 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 ना। ओ, डर लग रहा है। तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता क्या?
नहीं बिल्कुल भी नहीं लोको। वाओ, कैसे डैनी? मेरा काम है पटरियों की जांच करना। ओ, पटरियां मुड़ी हुई हैं। मुझे अभी टीओ को बताना होगा। टीओ, बोलो डैनी। हार्बर जाने वाले रास्ते की पटरियां मुड़ी हुई हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, पटरियों की जांच रेलगाड़ी के काम पर जाने से पहले करनी होती है, इसलिए मैं रात को काम करता हूँ। तुम रात को काम करते हो अकेले? शुरू में डर लगता था, लेकिन रात को काम करने में मजा आने लगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रात को लोको डैनी के साथ चलता रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोको, तुम कोई गाना क्यों नहीं गाते? गाना? हाँ, अगर तुम खुशी वाला गाना गाओगे तो डर नहीं लगेगा। पता नहीं, कोशिश करते हैं। चग चग चू चू चग चग चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चग चू चू, दुनिया को सुनाओ। चग चग चू चू चग चग चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चग चू चू, दुनिया को सुनाओ। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से अच्छा लग रहा है। लाइट्स फिर नहीं जल रही, बहुत अंधेरा है। इन बातों की जगह किसी और बात पर ध्यान दो, जैसे दोस्तों के साथ कोई मौज मस्ती वाली बात। हाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का कोई दिन। इन फूलों को देखो, कितने सुंदर हैं ये, बहुत सुंदर। एक दिन हम घूमने गए थे तो बहुत मजे किए थे। देखा लोको, डर चला गया। वाओ, तुमने सही कहा डैनी। मैंने कहा था ना, डर को दूर करने के कई तरीके होते हैं। अरे लोको, एक मिनट के लिए रुक जाओ। रुक जाऊं? क्यों? सिर्फ सुनो, आंखें बंद कर लो लोको। हाँ? वाओ, इतनी अच्छी आवाज किसकी है? ये झिंगुरों की आवाज है, इन्हें रात के सन्नाटे में सुन सकते हैं। संगीत की तरह है। अब आसमान को देखो। आसमान को? लेकिन वहां तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो। ध्यान से? वाओ, इतने सारे तारे। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे। मुझे नहीं पता था कि रात इतनी सुंदर होती है। तो क्या कहते हो, अब तो तुम अकेले आ सकते हो ना? अकेले? पता नहीं, पर शायद मुझे अभी भी डर लगेगा। अच्छा, तो कल भी मैं क्या तुम्हारे साथ चलूं? वाओ, तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होते ही इसलिए हैं। हम दोस्त हैं? हम दोस्त हैं। ठीक कहा तुमने, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टिटीपो टिटीपो। लोको। डैनी, तुम तो जल्दी आ गए, मेरी शिफ्ट तो बहुत देर से शुरू होगी। जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से मैं आज रात को तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। सॉरी। क्या, नहीं जा पाओगे? अब क्या करूँगा? याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मुझे यकीन है तुम अकेले काम कर लोगे। हाँ, ठीक है डैनी। अब वक्त है लोगों का रात की शिफ्ट को शुरू करने का। काम से लौटोगे तो तुमसे मिलता हूँ लोगो। ठीक है। आज कोहरा भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं वही करूं जो डैनी ने सिखाया तो डर नहीं लगेगा। मैं कर लूंगा। डैनी अपना काम कर रहा है। उफ, काम हो गया। पता नहीं लोगों ठीक से काम कर रहा होगा या नहीं, और आज तो कोहरा भी काफी ज्यादा है। मैं जाकर उसे देखता हूँ। अरे कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओहो, मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया। मैं इतनी जल्दी में था कि फ्यूल भरवाना ही भूल गया। ओह, रेल आ रही है, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। सामान से लदा लोगो वापस शहर की ओर आ रहा है। जो डरते नहीं है वो मंजिल को पाते हैं, चलते जाओ तुम हंसते गाते।
ये तो गाना गाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं कोई मजेदार बात याद करता हूँ। दिल से गाओ चगा चू चू चग चग चू चू सारी दुनिया को सुनाओ चग चग चू चू चग चग चू चू। वाव, कितने सुंदर है। लोको, अब हम अच्छे दोस्त हैं। मेरी मदद करो प्लीज। ये आवाज कैसी थी? ओ, वहाँ क्या है? मदद करो प्लीज। ओ, 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 कोई भूत है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, चल नहीं पा रहा। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। ओ, आवाज जानी पहचानी है। मैं यहाँ हूँ। ये डैनी की आवाज है, उसे जरूर भूत ने पकड़ लिया होगा। तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं रुको। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उतार दो, उतार दो। भूतों के रेगिस्तान में चलने का। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। डैनी, जब मुझे जरूरत थी तब डैनी ने मेरी मदद की थी। ठीक है, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा, मैं आ रहा हूँ। डैनी, डैनी को छोड़ दो, डरावनी भूतिया रेल, वो दोस्त है मेरा, मैं उसे छोड़ना पड़ेगा। अरे लोको, लोको, डैनी, भूतिया रेल ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? क्या, भूतिया रेल? अभी तुम्हें भूतिया रेल ने पकड़ लिया था और तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे मैं चिल्लाया क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन मैंने भूतिया रेल को यहाँ देखा था। अरे कोहरे की वजह से मैं तुम्हें भूत लग रहा होऊंगा। कोहरे की वजह से? मुझे सच में लगा भूत है। कितना सुकून मिला मुझे। लोको डैनी को फ्यूल भरने की जगह पर ले जा रहा है। लोको एक बात बताओ, तुम्हें डर लग रहा था, तुम तब भी मुझे बचाने आए? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि भूतिया रेल तुम्हें अपने साथ ले जाए। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन इसीलिए तो दोस्त होते हैं। लोको तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम होते तो मेरे लिए यही करते ना। लगता है अब मैं रात की शिफ्ट अकेले कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। बिल्कुल डैनी। दोस्त की मदद करते हुए लोको जरा भी नहीं डरा। शाबाश लोको। मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं। लोको की शिफ्ट शुरू होने वाली है। ठीक समय पर आए लोको। हाय मिस्टर हर्ब, गुड मॉर्निंग। आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोको। शुक्रिया, लौट कर आपसे मिलता हूँ। बाय। ये तो बंदरगाह जा रहा है। ओ, गलत डिब्बे। लोको तुम गलत डिब्बे ले जा रहे हो। लोको, मेरी आवाज नहीं सुन पाया, कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। ओ, अरे नहीं, मेरी चाय। ये क्या हो गया? अरे मेरी केतली भी गई, अब क्या करूं? पहले मुझे लोको से बात करनी चाहिए। लोको, लोको, ला 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 ला। लो, ओ, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी अभी। कान बज रहे होंगे। लोको, लोको, ये क्या? शायद मेरा माइक खराब हो गया। हेलो मिस्टर हर्ब। कौन आया है? टीटीपो, क्या बात है? क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ओह ठीक है, जाओ मौज करो, मुझे जाना होगा। बाय। ओ मिस्टर हर्ब आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी चलूं। ओ मिस्टर हर्ब, क्या आप ठीक हैं?
कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या रेडियो? इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता था कि वो गलत डिब्बे ले जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाया। ओ, क्यों ना मैं लोगों को माल बूगी पहुँचा दूँ? लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाऊंगा, आज यहीं रुककर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू टीटीपो। जी। डीजल और जीनी को बता दूं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। रेडियो सिस्टम खराब हो गया है? हाँ। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा है आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूंगा। तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ। ठीक है। तो ठीक है फिर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। जी सर, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। मिस्टर हर्ब। या, बोलो क्या बात है? टीचीपो ने बताया क्या हुआ? हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया। ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है, इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है। क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंह सिंह चौराहे के बीच में खराब हो गई है। वो चल नहीं पा रही। मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंह सिंह की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, इसलिए परेशान हूँ। चिंता छोड़िए, मैं सिंह सिंह को खींचकर प्रोडक्शन प्लांट ले जाऊंगी। तुम ये कर दोगी? जरूर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हर्ब, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। यहीं इंतजार करो डीजल। ठीक है। डीजल जी, मैनी और बर्नी बंदरगाह में हैं। क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुँचा दोगे? जरूर, समझिए काम हो गया आपका। जैसे ही लोको काम पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो गलत माल बोगी ले आया है। लोको, हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं अभी मिस्टर हर्ब से बात करता हूँ। ठीक है। मिस्टर हर्ब, सुनिए मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? लोको! ओ? लोको! टीटीपो! मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया। हाँ? सच में? और शुक्रिया। तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये चाहिए? मुझे मिस्टर हर्ब ने बताया। उन्होंने बताया? मैंने उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टीटीपो, टीटीपो। मैं तो आज बहुत देरी से पहुंचूंगा। सिंह सिंह। ओह, हाय जीनी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, शुक्रिया। सिंह सिंह को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है। सच में? हाँ, रेडियो खराब है, मिस्टर हर्ब ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आ गई। ओह, तो मैं भी मदद करूंगी। चेकअप के बाद मैं सीधा मिस्टर हर्ब के पास जाऊंगी। अच्छी बात है। डीजल मैनी और बर्नी के लिए माल बोगियां लेकर बंदरगाह पहुंच गया है। ओह, हे डीजल, तुमने मैनी और बर्नी को देखा है क्या? शायद मैंने उन्हें शहर वापस जाते देखा है। शहर चले गए? हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ, चूचू शहर में सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है। मिस्टर हर्ब। ओ टियो, देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। लगता है इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, छोटी रेलगाड़ियां मदद कर रही हैं। ये तो अच्छा है। ओ, पटरी पर चट्टाने गिर गई हैं।
और एरिक इसी रूट पर गया है। अगर उसे जल्दी नहीं बता पाया तो हादसा हो सकता है। हादसा? इसे टाल नहीं सकते, मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा। टियो, तुम माइक ठीक करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊं। मेरा स्कूटर? थैंक्स। एरिक को हादसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तेजी से जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। एरिक! एरिक! ये स्कूटर की रफ्तार क्यों कम हो गई? ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रुको, एरिक, इस रूट पर खतरा है। एरिक! कितना अच्छा मौसम है। एरिक! मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के रास्ते पर चट्टानें गिरी हुई हैं, मुझे उसे रोकना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों नहीं, जल्दी बैठिए आप। एरिक! 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी चलो। कोशिश करती हूँ उसके नजदीक पहुँचने की। एरिक! मैं क्या करूँ? स्टेशन आ गया। एरिक! माफ करना एरिक, जरा हटिए। अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम। रुको, रुक जाओ एरिक। एरिक! मिस्टर हर्ब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अगले स्टेशन के रास्ते में पटरी पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हर्ब, आप इतनी दूर क्यों आए? आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरिक, यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, शहर आकर मिलूंगा। ठीक है, शुक्र है। मिस्टर हर्ब के छोटे साथी वापस शहर आ रहे हैं। जीनी, डीजल, टिटिबो, बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने? हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे, यहीं रुककर मिस्टर हर्ब की मदद की। अच्छा किया। मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी नहीं पता था। हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं। सही कहा। टिटिबो, जीनी, डीजल। ओह, मिस्टर हर्ब, क्या रेडियो ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर पाया। तुम सब ने आज मेरी बड़ी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज नहीं। हमने कमाल का काम किया। जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता दीजिए मिस्टर हर्ब, आप विश्वास कर सकते हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन शैतान। ठीक है। छोटी रेलगाड़ियाँ पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रहीं। तुम सबने बहुत अच्छा किया, शाबाश। मिशन चूचू टाउन को बचाने का। आज टीटी पो चेकअप करवा रहा है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ टूटते तारे देखने जा सकता हूँ? बिल्कुल, जाओ मस्ती करो टीटी पो, मजा आएगा। एक बात पूछनी थी, क्या टूटते तारे सच में धरती पर गिरते हैं? ज्यादातर तो खत्म हो जाते हैं, कुछ जमीन से भी टकराते हैं। अगर एक बड़ा वाला चूचू टाउन पर गिर गया तो क्या होगा? देखो, गिर तो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद ना के बराबर है। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। जीनी, डीजल,
अब तक वापस नहीं आए। घर पहुंचकर उनका इंतजार करता हूँ। टीटीपो, इसी समय ऑडिटोरियम में पहुंचो। ठीक है। मिस्टर हब, ओ टीओ। अच्छा तुम आ गए। तुम्हें भी बुलाया है डीजल। हाँ, लगता है कोई जरूरी बात है। ओ, ओ मिस्टर हब को देखो, टीओ को भी। दोनों की यूनिफॉर्म आज अलग है। असल में टीओ और मैं चूचू शहर के खुफिया एजेंट्स हैं। और तुम दोनों खुफिया ट्रेन एजेंट्स हो। क्या? खुफिया एजेंट्स? हम चूचू शहर को बचाने वाली स्पेशल फोर्स हैं। वाह, क्या बात है! विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुफिया ट्रेन एजेंट हूँ। ध्यान दो, तुम्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना है। एक महत्वपूर्ण मिशन? देखो। ये जो बड़ा उल्का है, ये तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लगता है ये टकराएगा ठीक इस जगह। ये तो चूचू शहर है। ये तो बहुत बुरा होगा। अगर ये टकराया तो चूचू टाउन हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जल्दी कुछ करना होगा, चलो चले। हाँ, लेकिन रुको, हम अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? हाँ ठीक कहा, हम उड़कर तो नहीं जा सकते हैं। हम लोग इस बारे में पहले से ही सोच चुके हैं। बदलाव पूरा हुआ, रॉकेट बन गए हम। सिर्फ खुफिया रेल एजेंट्स के पास ही इस तरह के विशेष उड़ने वाले उपकरण हैं। अब बिना परेशानी के अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हम मिशन के लिए तैयार हैं अब। जरा रुको, मिशन में कामयाब होने के लिए तुम्हें एक और चीज चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे बम हैं जो उल्का को तबाह कर देंगे। इससे पहले कि उल्का पिंड चूचू शहर के नजदीक आए, तुम्हें उसे अंतरिक्ष में ही विस्फोट से उड़ा देना होगा। जी सर। खुफिया रेल एजेंट्स, क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार है। हमारे शहर का भविष्य तुम्हारे ऊपर है। जी सर। डीजल, टीटीपो, आओ चले। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए डीजल। मजा आ रहा है। जल्दी चलो, समय बहुत कम है, हमें उल्का के पास पहुंचना है। अरे हाँ, ठीक कहते हो तुम। आओ। ओह, ये सब क्या है? अरे नहीं, ये तो उल्का पिंड है। ध्यान से। बच गए। जबरदस्त सीक्रेट एजेंट है हम। आ जाओ। डीजल, बचो। टीटीपो, टीटीपो, डीजल, बचो। टीटीपो, ठीक हो ना तुम? हाँ, बस थोड़ी खरोचे लगी। शुक्रिया दोस्त, तुम में कमाल की बहादुरी है। शुक्रिया। वो रहा उल्का पिंड। जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है ये। चलो आओ चलते हैं। मेरे इंजन में कुछ हो रहा है।
हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। चलो चले। बस थोड़ा सा और। डीजल, तुम ये कर सकते हो। हाँ, देखो मेरी ताकत। टीटीपो पहुंच गए। हाँ, एक काम तो हुआ। ओ, हम पृथ्वी के बहुत पास हैं। हमें बॉम्ब लगा देना चाहिए। ठीक है। मैंने बॉम्ब लगा दिया। मैंने भी लगा दिया। टीटीपो, चलो घर वापस चलते हैं। ठीक है। आओ चलें। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे ये क्या, मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है। अब क्या करें? मुझे खींचने में तुम्हारा ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल हो गया। बम बहुत जल्दी फटने वाला है। अब हम क्या करें? डीजल, मुझे छोड़कर तुम चले जाओ। क्या? मेरे बिना तुम्हारे पास उतना फ्यूल तो होगा कि तुम धरती पर पहुंच जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब जाओ, जल्दी करो डीजल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने दोस्त को छोड़ के कैसे जाऊं? मेरे प्यारे चूचू टॉम का ध्यान रखना डीजल। टीटीपो, टीटीपो, डीजल। ये तो फिक्स और लिफ्ट है। पंप फटने वाला है। मुझे पता है, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है। सब आपस में जुड़ चुके हैं। तो चलो। शाबाश दोस्तों, अब जल्दी से चूचू शहर चलते हैं। हाँ। ओ, लेकिन तुम्हें कैसे पता हमें मदद चाहिए? क्या तुम भी खुफिया एजेंट्स हो? हम दोनों बचाव दल के सीक्रेट एजेंट्स हैं। मिस्टर हब ने हमें बताया कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए हम मदद को आ गए। क्या बात है, शुक्रिया दोस्तों। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम दोनों ने ही शहर को बचाया है। ठीक कहा, तुम दोनों असली हीरो हो। सभी मुश्किलों से जूझ कर जा पहुँचे वो उल्का पर। मजा दिखाया, उल्का उड़ाया। सुपर सीक्रेट एजेंसी रिपोर्ट डीजल। चिंता हो रही है, वो सब अभी तक नहीं लौटे। ओ, वो रहे टीटीपो और डीजल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। डीजल, तुम हीरो हो। तुम अच्छे नहीं, सबसे अच्छे हो। टीटीपो, डीजल, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने चूचू शहर को बचा लिया। डीजल, हमने सचमुच कर दिखाया। ओ, आसमान की तरफ देखो। ये उसी उल्का के टुकड़े होंगे जिसे तुमने उड़ा दिया। कितने सुंदर है। टूटते हुए तारे। टीटीपो, टीटीपो, डीजल, चलो टूटते हुए तारे देखने चलें। तुम जल्दी करो। हाँ, लेकिन उन्हें अभी तो हमने देखा था। अरे तुम क्या फिर से सो गए थे टीटीपो? मैं सपना देख रहा था। डीजल, मेरे सपने में तुम और मैं खुफिया ट्रेन एजेंट्स थे। खुफिया ट्रेन एजेंट्स?
हमने साथ मिलकर चूचू टाउन को बचाया था। वाह सच में? वैसे तो ये एक सपना ही था, लेकिन डीजल और टीटीपो ने यहाँ भी कमाल कर दिया। बाय बाय टीटीपो। सुबह हो चुकी है और जीनी हमेशा की तरह काम पर जा रही है। वो रहा टीटीपो। वाह! मैं पहले कभी इतनी दूर नहीं गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस सफर के लिए तुम्हें अच्छी तैयारी करनी होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओ, हेलो जीनी। टीटीपो, कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं दूर के शहर में जा रहा हूँ। क्या? मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुमसे बाद में मिलता हूँ। मिस्टर हब, क्या वो सच में दूर जा रहा है? हाँ, जा रहा है। क्या? टीटीपो! जीनी, तुम्हें अब काम पर जाना चाहिए। ठीक है, बाय मिस्टर हब। ये ऐसे क्यों कर रही थी? जीनी, हाय, कैसी हो? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? उदास हूँ क्योंकि टीटीपो हमें छोड़कर जा रहा है। क्या? टीटीपो जा रहा है? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर उससे पूछता हूँ। टीटीपो! टीटीपो! डीजल, क्या हुआ? क्या तुम जल्दी कहीं जाने वाले हो? हाँ, कुछ दिनों बाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। क्या? तुम जल्दी जाना चाहते हो? हाँ, मुझे नई रेल से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इसका मतलब ये कि जीनी ठीक ही कह रही थी। चलो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट डीजल। अगला दिन शुरू हो चुका है। जीनी और डीजल ने सबको ये बात बताई। जा रहा है? हाँ, एक ऐसे शहर जो बहुत दूर है। तो हम उससे मिल नहीं पाएंगे? क्या उससे कह नहीं सकते कि ना जाए? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। टीटीपो खुश है कि वो जा रहा है। ओ टीटीपो। इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं। टीटीपो हमारा हमेशा अच्छा दोस्त रहेगा। मुझे पता है, क्यों ना जाने से पहले हम टीटीपो को एक गिफ्ट दें? गिफ्ट दें? छोटी रेलगाड़ियां सोच रही हैं कि टीटीपो को क्या गिफ्ट दिया जाए। टीटीपो! ओ, हाय जीनी। हेलो टीटीपो, तुम काम पर जा रहे हो ना? हाँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है काम करने का। मैं तुम्हारी जगह चली जाऊं? क्या? लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी है। मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत बहुत मन कर रहा है काम करने का। जाने दो प्लीज। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा दिन अच्छा बीते जीनी। अजीब बात है। टीटीपो। ओ, हेलो डीजल। टीटीपो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। ठीक है डीजल, एक मिनट रुको। हम यहाँ डिपो में क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। सेटर। हाय दोस्तों, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेटर, सब तैयार है ना? ओ, तैयार है? बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर। ये तो माल बुगी है। याद करो, एक दिन तुमने मुझे कहा था कि माल बुगी ले जाने में कितना ज्यादा मजा आता है। काश मैं कभी ले जा पाता। तो लो, आज वो दिन आ गया। सच में मजा आएगा। लेकिन अगर मिस्टर हब को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, डांट मैं खा लूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अब सेटर बोल रहा है ना टीटीपो। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेटर। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। हाय ग्रेनी। डीजल आ गया। टीटीपो भी। वाओ, डीजल, टीटीपो। अब देखो, क्रेनी तुम्हारी बोगियों पर कंटेनर्स रख देगा। क्रेनी। ठीक है, टीटीपो, वहाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक है। आगे आ गया। बिल्कुल ठीक।
अब उठाया और रखा। दीदी बो, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं खुश हूँ। ऐसा करना नियम के विरुद्ध है, पर डीजल ने मुझसे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया क्रेनी। डीजल, तुम्हारा भी शुक्रिया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है ये। माल बुगी वापस करने जाता हूँ। यही छोड़ दो, मैं वापस कर दूंगा। हाँ, तुम वापस करोगे डीजल? अरे क्यों नहीं, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, बाय क्रेनी, फिर मिलते हैं। गुड बाय। तुम मुझे बहुत याद आओगे टीटीपो। टीटीपो टीटीपो, ला 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 ला। पता नहीं मेरे सारे दोस्त मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा क्यों कर रहे हैं। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। टीटीपो। हाँ? हेलो। हाय सिंग सिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। क्या, तुम भी? आ जाओ। तुम चाहती हो मैं जुड़ जाऊँ, लेकिन क्यों सिंग सिंग? याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? काश मैं बहुत तेज दौड़ पाता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारा सपना सच कर दूँ। तुम्हें अब तक याद है? कमाल है। ठीक है, तो हम चलते हैं। मुड़ जाओ। वाह! वाह! हम कितनी तेज जा रहे हैं। सिंग सिंग, मजा आ गया। टीटी पो, मैं उदास हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो। क्या कहा तुमने? तुम चूचू शहर छोड़कर चले जाओगे तो हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। हम इतनी तेज जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद पूछ रही होगी कि मैं खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। टीटीपो और सिंग सिंग वापस चूचू शहर आ गए। इतना मजा कभी नहीं आया। हाँ टीटीपो, तुम जहाँ भी जाओ हमेशा खुश रहो। तुम क्या कहना चाहती हो? टीटीपो, जल्दी तुम्हें मेरे साथ अभी चलना है। हाँ, इसी समय? सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, साथ चलो जल्दी से। हाँ सही कहा, हमें जल्दी पहुँचना है टीटीपो। पीछे आओ टीटीपो। हाँ आ रहा हूँ। हम आ गए, टीटीपो भी साथ है। जीनी, डीजल, अच्छा हुआ तुम आ गए। हेलो। हाँ, अरे वो जुगनू कहाँ गए? वो कहाँ चले गए सारे? उड़ गए, हम वो तुम्हें दिखाना चाहते थे टीटीपो। क्या कहा जुगनू? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था मैं उन्हें देखना चाहता था। हाँ, इसीलिए काम करने के बाद हम उन्हें पकड़ने गए थे। पकड़े भी, लेकिन जब तक लोगो तुम्हें यहाँ लाया वो सब उड़ गए। कोई बात नहीं, हम अगली बार देख सकते हैं। अगली बार तो देख ही नहीं पाएंगे। हम चाहते थे कि तुम जाने से पहले उन्हें देख लो। जाने से पहले? हाँ, देखो ये रहा जुगनू। वाह, वो वापस आ गए। इतने सारे जुगनू मैंने पहले कभी नहीं देखे। चलो अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि टीटीपो उन्हें देख पाया। वाह, ये तो चमक रहे हैं। छोटी रेलगाड़ियों की वजह से टीटीपो का दिन बहुत अच्छा बीता। चूचू टाउन में एक नई सुबह। टीटीपो, क्या तुम्हारी तैयारी हो गई? तैयार हूँ। तुम दूर जा रहे हो इसलिए ज्यादा ध्यान रखना, लेकिन तुम सब के सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे छोड़ने के लिए आए हैं मिस्टर हब। ठीक है, आओ टीटीपो, देर हो जाएगी, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, टीटीपो जा रहा है। टीटीपो, ध्यान रखना। हमें भूल मत जाना। गुड बाय।
ध्यान से जाना। अलविदा मेरे दोस्त। क्या हुआ, लग रहा है तुम टिटिपो को हमेशा के लिए विदा कर रहे हो। वो दूसरे शहर गया है, हम फिर नहीं मिल पाएंगे। फिर नहीं मिल पाओगे? शायद तुमने गलत समझ लिया। टिटिपो एक लंबे सफर पर गया है, बस 2 दिन में वापस आ जाएगा। क्या? तो वो शहर छोड़कर नहीं गया, सिर्फ एक लंबे सफर पर गया है। क्या मजाक है ये, मैंने टिटिपो को जुगनू दिखाने के लिए इतनी मेहनत की। मैंने सोचा वो जा रहा है तो मैंने उसका काम कर लिया, उसे वापस आकर मेरा काम करना होगा। अच्छा होगा कि वो मुझे अब गिफ्ट दे। कोई बात नहीं, टिटिपो नहीं गया है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ। वैसे सही कह रहे तुम। मैं भी मानती हूँ। उम्मीद है टिटिपो जल्दी वापस आएगा। हाँ, जब टिटिपो वापस आ जाएगा सब साथ घूमने चले। अच्छा अच्छा है। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने दोस्तों की वजह से। ये है टिटिपो का सफर। टिटिपो पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहा है। ध्यान से जाना, फिर जल्दी मिलेंगे टिटिपो।